नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। पटना में शुक्रवार को विपक्षी दलों की बैठक के बाद दोपहर के भोजन में लिट्टी चोखा, गुलाब जामुन, जलेबी, कई प्रकार के शरबत और बिहार के कई अन्य पारंपरिक व्यंजन परोसे गए। विपक्षी दलों के नेताओं के लिए भोज की मेजबानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने परोसे गए पारंपरिक व्यंजनों की तारीफ की। उन्होंने कहा, नीतीश जी की ओर से आयोजित दोपहर के भोजन में बिहार के सभी पारंपरिक व्यंजन थे। शानदार लिट्टी चोखा और विशेष गुलाब जामुन परोसे गए। इसके लिए मैं नीतीश जी को धन्यवाद देता हूँ। भोजन में बिहारी व्यंजनों के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। कई स्थापित और उभरते हुए पहलवानों के कोच और उनके माता पिता ने विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और 3 अन्य पहलवानों को एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप के लिए होने वाले ट्रायल से दी गई छूट वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि इन महत्वपूर्ण टूर्नामेंट के लिए पहलवानों का चयन निष्पक्ष होना चाहिए। भारतीय ओलंपिक संघ तदर्थ समिति इन 6 पहलवानों को फायदा पहुंचाने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिसमें बजरंग की पत्नी संगीता फोगाट, साक्षी के पति सत्यव्रत कादियान और जितेंद्र किन्हा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यूएस यात्रा के समापन के बाद मिस्र यात्रा पर रवाना हो गए। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के आखिरी दिन पीएम मोदी राजधानी कायरो में 11वीं सदी की अल हकीम मस्जिद जाएंगे। वह इस मस्जिद में लगभग आधा घंटा समय बिताएंगे। यहाँ वह दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। इस सप्ताह विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम ने दुनिया को चेतावनी दी कि मौसम के जरूरत से ज्यादा गर्म होने के कारण डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। अल नीनो की 4 साल बाद वापसी हो रही है। इससे दुनिया भर में बेहद गर्म मौसम और कृषि व्यवधान का खतरा मंडराने लगा है। मन में सवाल उठना लाजमी है कि अल नीनो आखिर है क्या। दरअसल उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्री तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए बदलाव को एल नीनो कहा जाता है, जो पूरे विश्व के मौसम को अस्त व्यस्त कर देता है। यह बार बार घटित होने वाली मौसमी घटना है। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान भारत की रूस से हथियारों की खरीद का सवाल भी उठा है। अमेरिका रूस से भारी हथियार खरीदने वाले देशों पर अपने कठोर कानून थोप देता है, लेकिन जब भारत ने रूस से S-400 या डिफेंस सिस्टम खरीदा तो अमेरिका ने अपने कास्टा कानून से उसे छूट दे दी। S-400 खरीदने पर भारत को छूट देने के सवाल पर अब अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने जवाब दिया है। पेंटागन की ओर से कहा गया है कि भारत को कास्टा के प्रतिबंधों से छूट दिए जाने से अमेरिका को फायदा होगा। अमेरिका नहीं चाहता भारत की सुरक्षा में कोई कमी हो। 6 मई 2023 के आंकड़ों के हिसाब से रिटेल महंगाई दर भले नियंत्रण में आई हो, लेकिन ये अब भी 4% से अधिक है। जमीन पर इसका असर अभी भी आम आदमी पर देखा जा सकता है। खुद भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने मंथली बुलेटिन में माना है कि लोगों को परेशान कर रही है और इसका खामियाजा एक रूप में देश की इकोनॉमी को भी उठाना पड़ रहा है। BCCI ने शुक्रवार को वेस्ट इंडीज दौरे के लिए भारत की टेस्ट और वनडे टीम की घोषणा कर दी है। तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को दोनों फॉर्मेट के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया। टीम इंडिया के लिए चयन होना मुकेश के लिए किसी सपने के पूरा होने जैसा है। इस बीच अब उनका रिएक्शन भी तेजी से वायरल हो रहा है। मुकेश कुमार ने अपने चयन को लेकर कहा है कि मेरा सपना मेरे सामने है, मैं हमेशा खुद को यहाँ होना चाहता था, भारत के लिए टेस्ट खेलना चाहता था और मैं आखिर टीम में शामिल हो गया। ओलंपियन योगेश्वर दत्त ने वीडियो जारी करते हुए प्रदर्शनकारी पहलवानों को एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल में एडहॉक कमेटी द्वारा छूट देने को गलत बताते हुए विरोध किया। योगेश्वर दत्त ने आरोप लगाया है कि सभी पहलवानों को समान अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब जब कुश्ती में गलत होगा मैं हमेशा इसका विरोध करूंगा। कॉलेज के जाली दस्तावेजों पर स्टडी वीजा लगवाकर 700 विद्यार्थियों को कनाडा भेजने वाले धोखेबाज ट्रैवल एजेंट ब्रिजेश मिश्रा की कनाडा के BC में गिरफ्तारी हो गई है। कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि ब्रिजेश मिश्रा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कनाडा में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसे कनाडा की इमिग्रेशन कंपनी ने पकड़ लिया। इसके बाद धोखेबाज एजेंट को बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी के हवाले कर दिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता को लेकर पटना में बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस समेत कई दलों ने हिस्सा लिया। विपक्षी दलों की बैठक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्या साझा उम्मीदवार जताने पर कोई चर्चा हुई। जब ये सवाल नीतीश कुमार के खास मंत्री जमा खान से पूछा गया तो इसका जवाब वह नहीं दे पाए। इससे यही लग रहा है कि विपक्षी दलों की बैठक में चर्चा इन मुद्दों पर नहीं हुई है। Washington DC में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद गूगल और अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने कहा है कि गूगल भारत के डिजिटलाइजेशन फंड में $10 बिलियन का निवेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के लिए पीएम मोदी का विजन दूसरे देशों के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में काम करता है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद पिचाई ने कहा कि अमेरिका की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान पीएम मोदी से मिलना सम्मान की बात थी। हमने प्रधानमंत्री के साथ शेयर किया कि गूगल भारत के डिजिटलाइजेशन फंड में $10 बिलियन का निवेश कर रहा है।
अमेरिका की पहली राष्ट्रीय यात्रा पर गए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच H-1B वीजा को लेकर बातचीत हो सकती है। अमेरिका और इंडिया में H-1B वीजा हमेशा से एक चर्चित विषय रहा है। दरअसल H-1B के जरिए भारतीयों का अमेरिका जाना और वहां रहना आसान हो जाता है। जानकारों का मानना है कि पीएम मोदी और जो बाइडेन इस मुलाकात के बाद अमेरिका की ओर से H-1B के नियमों में ढील दी जा सकती है। धर्मगुरु मौलाना खलीद रशीद फिरंगी महली ने शनिवार को अपने एक संदेश में कहा है कि इस्लामी सेंटर ऑफ इंडिया ने ईद उल अजहा के अवसर पर कुर्बानी के लिए 29 जून से 1 जुलाई तक कुर्बानी की तारीख तय की है। मौलाना खलीद रशीद फिरंगी महली ने कहा, कुर्बानी करते हुए कानून का विशेष ध्यान रखें, प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं करनी और खुले में या गली मोहल्ले में ये कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी करने के लिए प्राइवेट स्थानों को चयनित करें। सरकार बिजली की दरें तय करने के लिए दिन के समय का नियम लागू करने वाली है। ऐसा होने पर देश भर के बिजली उपभोक्ता दिन के समय के दौरान बिजली खपत का प्रबंधन कर अपने बिजली में बिल में 20% तक की बचत कर सकेंगे। यह नियम के तहत दिन के अलग अलग समय के लिए बिजली की अलग अलग दरें लागू होंगी। यह व्यवस्था लागू होने से बिजली की सर्वाधिक दर वाले समय में ग्राहक कपड़े धोने और खाना पकाने जैसी अधिक बिजली खपत वाले कामों से परहेज कर सकेंगे। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विपक्षी दलों का एक साथ आना केवल उनकी महानता को दर्शाता है। पार्टी ने इस बात पर जोर दिया कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी का जीतना तय है। राज्य के मंत्री एवं शिवसेना नेता उदय सामंत ने अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंदी समूह पर भी निशाना साधा। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के चुनाव लड़ने से भले ही बृजभूषण शरण सिंह और उनके परिवार को दूर रखने की तैयारी हो, लेकिन चुनाव में उनका दखल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। खबर है कि वह अपने बेटे के साथ चुनाव में वोट डाल सकते हैं। WFI के चुनाव 11 जुलाई को होने वाले हैं। यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पहलवान मांग कर रहे थे कि WFI से बृजभूषण शरण सिंह को और उनके सहयोगियों को हटा दिया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सरकार आसमान छूती महंगाई पर पर्दा डालने को लेकर तरह तरह के बहाने बनाती नहीं है, लेकिन अब खुद रिजर्व बैंक ने महंगाई को लेकर जो प्रतिक्रिया दी है उस पर मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए। खड़गे ने कहा कि सरकार के मंत्री कहते हैं कि महंगाई दिखती नहीं और सरकार भी महंगाई को लेकर बहानेबाजी करती रहती है, लेकिन अब सरकार को बताना चाहिए कि क्या महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक की टिप्पणी भी ठीक नहीं है। UGC के अध्यक्ष प्रोफेसर M. जगदीश कुमार ने भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत और अमेरिका के बीच अनुसंधान सहयोग बढ़ाने और दो तरफा शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने की गंभीरता पर जोर दिया। UGC प्रमुख प्रोफेसर M. जगदीश कुमार ने कहा है कि इन दो प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों में ऐसी साझेदारी न केवल आर्थिक विकास में योगदान देगी बल्कि हमारे संबंधित देशों के सामने आने वाले चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवीन तकनीकी समाधान विकसित करने के अवसर भी पैदा करेगी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार में शुक्रवार को विपक्षी दलों की बैठक के बाद बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला की प्रतिक्रिया सामने आई है। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि विपक्षी एकता का ये अद्भुत परिचय, केरल में लेफ्ट की क्राइम ब्रांच ने केरल कांग्रेस अध्यक्ष को भ्रष्टाचार के लिए गिरफ्तार किया और कांग्रेस प्रतिशोध का नारा लगा रही है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में कांग्रेस ने आपको 370 पर आईना दिखाया है। TMC ने नीतीश बाबू को हड़काया तो वहीं आपने सबको दांत दिखाया, क्या दोस्ताना है इनका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोनाल्ड रीगन सेंटर में एक प्रसन्न भारतीय प्रवासी को संबोधित किया और 100 से अधिक चोरी हुए पुरावशेषों को भारत वापस लौटने के अमेरिकी सरकार के फैसले पर खुशी व्यक्त की है। पीएम मोदी ने अपनी पहली अमेरिकी राजकीय यात्रा के आखिरी दिन शुक्रवार पर यहां रोनाल्ड रीगन सेंटर में भारतीय प्रवासियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मुझे खुशी है कि अमेरिकी सरकार ने भारत के 100 से ज़्यादा पुरावशेषों को वापस करने का फैसला किया है जो हमसे चुराए गए थे। बॉलीवुड की बेबाक कंगना रनौत भले ही अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरी रहती हूँ, लेकिन उनकी अदाकारी हर बार लोगों का मुंह बंद कर देती है। बीते काफ़ी दिनों से कंगना अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चा में थी। इस फिल्म में इंदिरा गांधी का अहम किरदार खुद कंगना निभा रही हैं। कंगना रनौत की इमरजेंसी का पहला टीजर प्रोमो रिलीज हो गया है। केदारनाथ यात्रा के प्रथम चरण लगभग समाप्ति पर है। यात्रियों की संख्या घटते ही केदारनाथ धाम व पैदल मार्ग पर व्यापारी भी अपने घरों को लौटने लगे हैं, जबकि सैकड़ों की संख्या में घोड़ा खच्चर संचालक भी अपने घर को लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अमेरिका के वॉशिंगटन DC के रोनाल्ड रीगन सेंटर में भारत का राष्ट्रगान जनगण मन गाकर अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन चर्चाओं में आ गई हैं। अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने पीएम मोदी और प्रवासी भारतीयों की मौजूदगी में भारत का राष्ट्रगान गाया। इसके बाद उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री को नमस्ते के साथ स्वागत किया और सम्मानपूर्वक उनके पैर छूने लगी। मैरी मिलबेन का पीएम मोदी को पैर छूने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब न पेट्रोल की होगी दरकार और ना ही डीजल या CNG जैसे महंगे ईंधन की जरूरत होगी। अगस्त महीने से कार सड़कों पर इथेनॉल से चलेंगी।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगस्त महीने में बाजार में एथनॉल से चलने वाली कार आ जाएंगी। आईफोन और आई वॉच बनाने वाली कंपनी एप्पल इंडियन पेमेंट सेक्टर में एंट्री करने वाली है। जल्दी कंपनी क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर सकती है। इसके लिए कंपनी ने पूरी तैयारी कर ली। एप्पल का क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए कंपनी ने बैंकों और रेगुलेटर से बात भी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक अप्रैल में जब टीम कुक एप्पल स्टोर्स की लॉन्चिंग के लिए भारत आए थे तब उन्होंने HDFC के CMD शशिधर और RBI से मुलाकात की थी। स्मृति ईरानी ने पटना में विपक्षी दलों की एक बैठक को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह बैठक ऐसे लोगों के समूह की तरह था जो केवल अपनी परवाह करते हैं और भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ समूह जो पहले एक दूसरे को कभी पसंद नहीं करते थे वे अब एकजुट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सिर्फ स्वार्थी बनना चाहते हैं और भारत को आर्थिक रूप से बढ़ने से रोकना चाहते हैं। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, नुन्नू गोलू कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, रविशंकर, बाबूलाल मरांडी, नौसाद अंसारी, दीपक कुमार। बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, आप अपना कितना समय अपने मोबाइल पर बिताते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।